एसीआई चेंगल रेड्डी बोल रहा हूँ। बाहर आके सरेंडर कर दो, मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है, 5 तक गिनूंगा। ये हल्ला कौन मचा रहा है? चेंगल रेड्डी है, पानी में झाग की तरह है, फालतू। 3 तो स्वागत करते हैं इनका। ये भी डेमो देख के ही मानेगा। डेमो देखकर सीआई की भी फटके फ्लावर हो गई। जैसे पबजी में होता है वैसे ही आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता, उसने भी धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू कर दी। सोनार की एक लोहार की, मतलब उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहाँ एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती है। सिंपल साइंस, जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये मेरे एरिया में बिना मुझे बताइए क्या चल रहा है? गधे कहीं के, कुछ नहीं पता तुझे? यहाँ 10 सालों से गॉडज़िला रहता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। पांच घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तो पुलिस में है ना? अरे तो निकालना हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी? यहाँ मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कब्रिस्तान है, यमराज के आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए तुझे। आर्मी ने चाल चलिए और स्मोक बम चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तभी एक जोर की आवाज हुई, आंधी चलने लगी। सरकार ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है, अंदर गॉडज़िला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोली चलने शुरू कर। फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में 1 सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया? अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। अभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया, टेक द शॉट। का अंत अक्सर अजीब होता है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मोहब्बत को आखिरी बार देख रहा है। जो हादसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं वो हादसा उस दिन हम पर गुजरा। जिस डे केयर सेंटर में रचना काम करती थी वहां आतंकी हमला हुआ। सुहाना भी थी। रचना
तो तुम सबको बचा लेते। जहाँ तुम रहोगे वहाँ कोई नहीं मरेगा। ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत हो। सजा देना चाहती है। 6 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वही कर्मा हमारे आगे उतर रहा था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल गन्स, जो इसके स्मगलिंग में दखल दे उसे हम मारे। दैट्स इट। इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। सुहाना का बाप है ये, इसे मारेंगे नहीं रोकेंगे। डोंट मूव। तब हमें नहीं पता था कि हमारी ही बचाई हुई आग हमारा घर चलाएगी। हमने जिनके गन्स बचाई वो टेररिस्ट थे और उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस दिन एक बात और समझ में आई कि बंदूकें गलत हाथ में जाती हैं तो हाथ से होते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उनके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसे मैं भी नहीं जानता था। वो सहदेव तो नहीं था, कोई और ही था। से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है। उसे पकड़ने वाले को जब वो छूती है।